दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बनवाल की किताब इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लासिक फुटबॉल प्लान, जो कि आपका किताब जो है ये सार संग्रह है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आपका आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर आज हमारा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 45 पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वराज के लिए संघर्ष, तो स्वराज के लिए संघर्ष के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 45। तो इसका पहला वीडियो आएगा, ठीक है, पार्ट नंबर ए। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 45 आ गया, स्वराज के लिए संघर्ष। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल, तो गरम दल और नरम दल क्या, तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्ति एवं नए नेताओं का उदय हुआ, और ये नेता तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं की अनुनय विनय की नीति के विरोधी थे तथा ब्रिटिश सरकार के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने जनता में संघर्ष एवं देश प्रेम की भावना जागृत की थी। ठीक है, वंदे मातरम संपूर्ण देश में, तो वंदे मातरम संपूर्ण देश में राष्ट्रगीत के रूप में लोकप्रिय हो गया, और यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और इसने मातृभूमि के प्रति जनता की भावना को व्यक्त किया था। ठीक है, नए नेताओं में, तो नए नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष प्रमुख थे। ये सभी गरम दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कांग्रेस के सूर्यनाथ बनर्जी, गोपाल सिंह गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य पुराने नेता गरम दल के नेता कहलाए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के प्रति, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे जैसे जनता में रोष बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे जैसे जनता के में रोष बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे गरम दल के नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ठीक है, विश्व की घटनाओं का प्रभाव, तो विश्व की घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 1896 में इटली के 1896 में इटली की इथियोपियाई जनता के हाथों हाथ एक यूरोपियाई देश की प्रजा में से भारतीय को प्रसन्नता हुई। ठीक है, इटली की प्रजा के करीब, तो इटली की प्रजा के करीब 10 साल बाद 1905 के एक युद्ध में जापान ने रूस को पराजित किया, और यह पहला मौका था जब एक एशियाई देश ने एक यूरोपियाई देश को जो युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, इटली की प्रजा के करीब 10 साल बाद 1905 के एक युद्ध में जापान ने रूस को पराजित किया, और यह पहला मौका था जब एक एशियाई देश ने एक यूरोपियाई देश को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, जापान की विजय का भारतीय राष्ट्रवादियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, और ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता को घृणा बढ़ती गई। ठीक है, 1905 ईस्वी में रूस में एक क्रांति हुई, तो 1905 में रूस में एक क्रांति हुई। उन दिनों रूस पर एक निरंकुश बादशाह का शासन था और जनता अधिकारों से वंचित था। रूसी जनता शासक के विरुद्ध तो रूसी जनता शासक के विरुद्ध खड़ी हुई उठ खड़ी हुई और क्रांति को हालांकि कुचल दिया, परंतु उसने विदेशी शासन में कष्ट झेल रही भारतीय जनता को प्रेरणा दी। ठीक है, आयरलैंड की जनता ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। ठीक है, बंगाल का विभाजन, तो राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलने में बंगाल का विभाजन ने सबसे प्रभावकारी भूमिका निभाई, और उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, और जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। उस समय बंगाल की आबादी लगभग 7 करोड़ 80 लाख थी। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार इतने बड़े प्रांत के प्रशासन को संभालना जो है कठिन है, इसलिए इनका विभाजन आवश्यक हो गया था। ठीक है, बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ था। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रांत का विभाजन करके वे इस आंदोलन को कमजोर बनाने में सफल हो जाएंगे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में, तो पश्चिम बंगाल और आपका पूर्वी बंगाल, ठीक है, दो आपका था पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में आपके जो थे वो आपका था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और ये आपका हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल आपका पूर्वी बंगाल और असम था, और ये आपका मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। ठीक है, तो ये आपका जो कि बीच में ऐसे बांटा गया था। ठीक है, ये आपका पूरा बंगाल का एरिया था। ठीक है, ये आपका पूरा बंगाल का एरिया, और इधर इस एरिया में आपको जो पश्चिम बंगाल जिसमें आपका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जो कि आपका उड़ीसा, बिहार और बंगाल आया था आज का बंगाल, और आपका आज का बांग्लादेश इसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, जिसमें आपके मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र ढाका आपका इसकी राजधानी थी। ठीक है, और असम भी इसमें शामिल था। ठीक है, और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य हिंदू और मुसलमान में फूट पैदा करना था। वे कहने लगे कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा, इसलिए यह उनके हित में होगा। अंग्रेजों का विचार था कि इस तरह से वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ठीक है, 16 अक्टूबर
तो 16 अप्रैल 1905 को 5 पे करजर की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसके विरोध में हुए आंदोलनों को भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विभाजन के अंतर्गत बंगाल के पूर्वी हिस्से को अलग करके असम के साथ मिला लिया गया और इस प्रकार पूर्वी बंगाल और असम जो है बंगाल का नया प्रांत बन गया था। ठीक है, विभाजन के कारण संपूर्ण बंगाल में रूस की लहर दौड़ गई और विभिन्न चारों में बड़ी सभाएं और तीव्र प्रदर्शन हुए। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, गरम दल और नरम दल, तो गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्र बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्र बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ठीक है, विभाजन का दिन अर्थात 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर वह दिन जन एकता और मैत्री दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया गया। संपूर्ण बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। ठीक है, बंगाल के विभाजन को समाप्त करने के लिए आरंभ किए गए आंदोलन के दौरान संघर्ष के नए तरीके अपनाए गए और इन तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार प्रमुख थे। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य भी पहले की अपेक्षा अधिक क्रांतिकारी हो गया था। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो स्वदेशी का अर्थ संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। स्वदेशी अपनाने से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता था तथा राष्ट्र मजबूत होता था। यह देशभक्ति बढ़ाने का एक प्रभावकारी तरीका था। इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का नारा दिया गया। ठीक है, इस बात पर जोर दिया गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से अधिकांश विदेशी वस्तुएं इंग्लैंड से आती थी। इंग्लैंड के आर्थिक हितों को क्षति पहुंचेगी और तब ब्रिटिश सरकार को भारतीय मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। ठीक है, इसी आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहकर देश के अनेक भागों में फैल गया था। ठीक है, ब्रिटिश कपड़ों चीनी तथा अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोग समूह बनाकर दुकानों पर जाते और दुकानदारों से विदेशी सामान न बेचने का अनुरोध करते। वे दुकानों के बाहर खड़े होकर ग्राहकों से विदेशी सामान न खरीदने का आग्रह करते थे। ठीक है, इस आंदोलन में स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, उन्होंने केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया और लोगों को प्रेरित किया कि वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करें। सरकार ने दमन के कई तरीके अपनाए और अनेक विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों से निकाल दिया गया और कई विद्यार्थियों को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल विदेशी सामान तक सीमित नहीं रहा बल्कि वह अब स्वदेशी का अर्थ उस सब से हो गया जो भारतीय है तब बहिष्कार का अर्थ उस सब से हो गया जिसका असंबंध ब्रिटिश शासन से था। ठीक है, कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य गरम दल और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हुए। ठीक है, वाराणसी 1905 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह गोखले ने थे और इस अधिवेशन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया परंतु नरम दल और गरम दल में मतभेद कायम रहे। ठीक है, नरम दल वालों का मत था कि बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्य के लिए विशेष परिस्थिति में होना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन तरीकों का प्रयोग सदैव किया जाए। ठीक है, गरम दल के नेताओं का विश्वास था कि बहिष्कार को व्यापक बनाना आवश्यक है और उन्होंने सरकारी स्कूलों कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने और देशभक्ति को उभारने के लिए स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं शुरू करने पर जोर दिया। ठीक है, गरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे और जबकि नरम दल के नेता इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, कलकत्ता में 1906 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा था और उस समय दादा बनर्जी कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष थे। ठीक है, एक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपना समर्थन प्रदान किया और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ तक कि स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाए। ठीक है, स्वराज का अर्थ था ब्रिटेन के अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह सरकार स्थापित करना परंतु गरम और नरम दल
एकजुट नहीं रह सके सूरत में। तो सूरत में 1907 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों ने फिर संघर्ष हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, तो यह अधिवेशन 1907 में 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ, और इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथी व गर्मपंथी में विभाजित हुई थी। ठीक है, विवाद का केंद्र राज बिहारी बोस थे, तो विवाद का केंद्र राज बिहारी बोस थे जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बनाना चाहते थे, वही उदारवादी राज बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः राज बिहारी बोस अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख चुन लिए जाने के बाद गरम दल के विचार देश भर में फैलने लगे, और गरम दल का अधिक दमन होने के लगा तो गरम दल का अधिक दमन होने लगा और परिणाम स्वरूप 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा निर्वासित कर दिया गया। बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया, और 1908 में बंगाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा निर्वासित कर दिया गया। तो बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया, और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई पर अत्याचार किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, सरकारी दमन का जनता ने कड़ा मुकाबला किया, और बाल गंगाधर तिलक को दंड देने पर बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल किया। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार क्या है? तो सरकार ने एक ओर दमन की नीति को तीव्र बनाया तो सरकार ने एक ओर दमन की नीति को तीव्र बनाया तो दूसरी ओर धर्म दल वालों को संकुचित करने की कोशिश की। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई, इसे मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। ठीक है, तो 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और उस समय मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों सभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, परंतु इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। ये निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा नहीं बल्कि जमींदारों, व्यापारी और विद्यालय और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने गए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने इन सुधारों के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आरंभ कर दी, और जिसका उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य मतभेद पैदा करना। परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुने जाने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखी गई। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता का बढ़ावा दिया था। कांग्रेस ने 1909 ईस्वी में अपने अधिवेशन में इन सुधारों का स्वागत किया, परंतु धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। भारतीय सचिव ने कहा कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, 1857 ईस्वी के तो 1857 के विद्रोह के बाद जो नंगतू सरकार स्थापित हुआ वह मार्ले मिंटो सुधार से कायम रहा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने, और सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया, और समुचे ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। ठीक है, दिल्ली दरबार 1911 में तो 1911 में दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने भाग लिया था। ठीक है, इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। प्रथम घोषणा में 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और जबकि दूसरी घोषणा में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्या था? तो पढ़ते तो देश के कुछ भागों में क्रांतिकारियों के कुछ ऐसे समूह थे जो ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के जरिए खत्म करने में विश्वास करते थे। क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठन बनाए, और जिनमें ये अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे, और ये संगठन महाराष्ट्र और बंगाल में अधिक सक्रिय थे, जिनमें महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और बंगाल में अनुशीलन समिति प्रमुख थे। ठीक है, इनके सदस्यों ब्रिटिश अफसरों, पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों, मुखबिरों, गवर्नरों तथा वायसराय के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर बमकर 1908 में तो डीएच किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट था,
जिसने अनेक क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा दी थी। परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति कर देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा था। तो मुजफ्फरपुर बमकर 1908 में हुआ था। डीएच किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था जिसने अनेक क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा दी थी। परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया था। युगांधर समिति के एक बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ और इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। 30 अप्रैल 1908 को बोस एवं चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। इस बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड बच गया, किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्र मारे गए थे। ठीक है, इस घटना से आहत प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ठीक है, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के मनिकतुल्ला गार्डन हाउस पर अनेक क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने के कारण पुलिस द्वारा छापेमारी की गई और अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई और जबकि अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियों त्याग दी और पौंडीचेरी चले गए। उस समय पौंडीचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था, जो वहाँ अरविंद ने ओरोविलो आश्रम की स्थापना की थी। ढाका का मजिस्ट्रेट और नासिक एवं तिरुनवेली के कलेक्टरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1912 में हार्डिंग बम कांड हुआ। 1912 में, ठीक है, 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ। 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ और 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण का दिन निर्धारित किया गया था। इस अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार और ब्रिटेन के शाही राजवंश के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर बम फेंका गया जिससे हार्डिंग घायल हो गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम राज बिहारी बोस ने फेंका था। इस सिलसिले में अमित चंद, अवध बिहारी लाल और आपके भाई बाल मुकुंद के ऊपर मुकदमा चलाया गया और तीनों को फांसी दे दी गई। भारतीय क्रांतिकारियों ने लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में अपने केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, भारत के बाहर काम करने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी मैडम भिकाजी कामा, एम बकतुल्ला, बीबीएस अय्यर, लाला हरदयाल, राज बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, विनायक दामोदर सावरकर और उबैदुल्लाह सिंधी और मानवेंद्रनाथ राय थे। ठीक है, तो भारत के बाहर काम करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी मैडम भिकाजी कामा, एम बकतुल्ला, बीबीएस अय्यर, लाला हरदयाल, राज बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, विनायक दामोदर सावरकर, उबैदुल्लाह सिंधी और आपका जो मानवेंद्रनाथ राय थे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने विभिन्न भारतीय, गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार निकाला तथा गदर पार्टी की स्थापना की। तो उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने विभिन्न भारतीय, गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार निकाला तथा गदर पार्टी की स्थापना की। भारत में विद्रोह की तैयारी करने के लिए गदर पार्टी ने अपने सदस्य भेजे। अधिकांश सदस्यों को पकड़ लिया गया और कुछ को फांसी दे दी गई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से लेकर 1919 तक था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 की विरोधी शक्तियों को दो गुटों में विभाजित किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 की विरोधी शक्तियों को दो गुटों में विभाजित किया गया। प्रथम गुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की, और दूसरा गुट था आपका फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। ठीक है, तो प्रथम गुट था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की, और दूसरा गुट था आपका फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। ठीक है, और आपका प्रथम गुट का नाम था ट्रिपल अलायंस और दूसरे गुट का नाम था ट्रिपल एंटिटी। ठीक है, तो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी। ठीक है, यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के मध्य शत्रुता के कारण 1914 में एक युद्ध आरंभ हुआ जो 1918 तक आपका जो है चला। इसे प्रथम महायुद्ध कहा गया। ठीक है, तो यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के मध्य शत्रुता के कारण 1914 में एक युद्ध आरंभ हुआ जो 1918 तक चला। इसे प्रथम महायुद्ध कहा गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग
1910 से लेकर 1916 थे, और युद्ध के दौरान, तो युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए धन्यवाद सेना की सहायता हेतु गांव गांव दौरा किया। ठीक है, युद्ध आरंभ होने के बाद, तो युद्ध आरंभ होने के बाद दिसंबर 1914 में कांग्रेस का अधिवेशन भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में मद्रास में संपन्न हुआ, और इस अधिवेशन में साम्राज्यवादियों को विजय की कामना की गई। और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में गवर्नर लॉर्ड पैटलन, जो कि आपका मद्रास का ये गवर्नर था, ठीक है, लॉर्ड पैटलन उपस्थित थे। और कांग्रेस के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कोई गवर्नर अधिवेशन में उपस्थित हुआ है। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट, तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई, और 1893 में एनी बेसेंट भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता बनी थी। ठीक है, 1914 में बाल गंगाधर तिलक बर्मा के निर्वासित जीवन से छूट कर आए और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट आपका होम रूल लीग, 1916 में यह आपका बना था होम रूल लीग। ठीक है, तो 16 अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बैपटिस्टा थे, और संभवतः वे महाराष्ट्र पर अपना आधार बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, तो 16 अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बैपटिस्टा थे, और संभवतः वे महाराष्ट्र पर अपना आधार बनाए रखना चाहते थे। एनी बेसेंट के समर्थकों में भी, तो एनी बेसेंट के समर्थकों ने भी इस दिशा में कदम उठाया तथा उनकी अनुमति से पहले होम रूल ग्रुप की स्थापना कर ली। 1916 ईस्वी में जमुनादास द्वारकादास, शंकर लाल बैंकर तथा इंदुलाल याग्निक ने बम्बई से एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है, 1915 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में एक होम रूल लीग का गठन किया था। ठीक है, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडले को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया था। ठीक है, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडले को संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, और तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार व्यवधान से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया था। 2 जनवरी 1916 में लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की गई, इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। ठीक है, तो भारतीय होम रूल की स्थापना डी ग्राहम पोल की थी, और होम रूल की स्थापना जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तिलक की लीग ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषा में पर्चे निकालकर अपने विचार एवं प्रचार कार्य गति प्रदान की, और बाद में इन पर्चों को गुजराती तथा कन्नड़ भाषा में भी प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तिलक ने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे, और भारतीय जनता को अपना हक देने हो गए, इसका उन्हें पूर्ण अधिकार है। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज्य की मांग को इस आंदोलन में शामिल कर दिया। उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ तथा अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की, और उनकी होम रूल लीग की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। ठीक है, एनी बेसेंट अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा तथा तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया था। तिलक की लीग पर किए गए मुकदमों की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई, और तिलक के साथ एनसी केलकर भी शामिल थे। होम रूल आंदोलन में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, एनी बेसेंट की लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि थे। कालांतर में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद तथा बीवी रक्षक चक्रवर्ती एवं जेब बनर्जी कलकत्ता में भी इसमें शामिल हो गए। एनी बेसेंट के अन्य समर्थकों में मद्रास से सत्यमूर्ति और अली कुजमा लखनऊ से जमुनादास द्वारकादास, उमर सुभानी, शंकर दयाल बैंकर तथा इंदुलाल जागनिक आदि प्रमुख थे। ठीक है, 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस में आधिकारिक रूप से शामिल कर दिया गया, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। ठीक है, गोपाल सिंह गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग का सदस्य बनाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, मद्रास सरकार ने
तो मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अंदले तथा बीपी वाडिया को जून 1917 में गिरफ्तार कर लिया और इसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटवुड की सरकारी उपाधि को त्याग कर दिया था। ठीक है, होम रूल लीग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रहेगी, तो होम रूल लीग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रहेगी उसने भावी गांधीवादी कार्यक्रमों की आधारशिला रखी तथा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उपायों को प्रेरित किया। ठीक है, होम रूल लीग, तो होम रूल आंदोलन के संदर्भ में, तो होम रूल आंदोलन के संदर्भ में एनी बेसेंट का कहना था कि मैं प्रेरक का कार्य कर रही हूँ तथा सोए हुए देश को जगा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका लखनऊ समझौता 1916 में, तो 1916 में लखनऊ समझौता लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी और मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। 1916 के लखनऊ समझौते पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हस्ताक्षर किए और शीघ्र ही स्वराज प्राप्ति की मांग का समर्थन करने के लिए दोनों संगठन एकजुट हुए। इस समझौते में कांग्रेस ने विधान परिषदों में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व के स्वीकार कर लिया। ठीक है, कांग्रेस के सूरत, तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के 9 साल बाद अब कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के पुनः एकजुट हुए। भारत सचिव, तो आपके भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू ने अगस्त 1917 में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से धीरे धीरे स्वशासित संस्थाओं को स्थापना करना चाहती है। ठीक है, दिसंबर 1917 में कांग्रेस कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी और इस अधिवेशन में 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें लगभग 400 महिलाएं थी। ठीक है, मोंटेग्यू घोषणा तापा अगस्त 1917 में हुआ, 8 जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इस समय मोंटेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय था। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशपूर्ण माना। तिलक ने मोंटेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, नरमपंथी नेताओं ने सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, नरमपंथी नेताओं ने सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कांग्रेस के उदारवादियों ने मोंटेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा का इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। इस रिपोर्ट में उन सुधारों की बात कही गई थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार में लागू करना चाहती थी। ठीक है, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई और यह युद्ध के दौरान भारतीयों की सरकार विरोधी गतिविधियों की जांच करने के लिए स्थापित रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट थी। ठीक है, रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट में दमन के नए तरीके सुझाए गए और इस रिपोर्ट पर आधारित कानून ने देश की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ, तो इसे भारत साधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया था तथा यह निश्चय किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे। प्रांतों में पहली बार वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया जिसका जन्मदाता लियोनिस कार्टिस था। ठीक है, 1919 के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में वैध शासन प्रणाली थी और इसके अंतर्गत प्रांतीय विषय को इसमें आपके वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषय को आरक्षित रिजर्व एवं हस्तांतरित ट्रांसफर दो विभागों में विभाजित कर दिया गया। आरक्षित विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्तीय कानून व्यवस्था अकाल आदि रखे गए थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान रखा गया था तथा भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार सीमित अधिकार दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऊपर में कुछ बॉक्स छूट गया उसे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इस सत्र को समाप्त करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारी संगठन है, इसको पढ़ते हैं। तो मित्र मेला का स्थापना 1903 में हुआ था और इसके संस्थापक थे विनायक विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। ठीक है, तो मित्र मेला का स्थापना था 1903 में और इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी, तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1904 में और इसके संस्थापक थे अजीत सिंह व अंबा प्रसाद। ठीक है, तो अजीत सिंह व अंबा प्रसाद आपके संस्थापक थे। ढाका अनुशीलन समिति, तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में थी और इसके संस्थापक थे पी मित्रा व पुलिंदा। अभिनव भारत समाज के संस्थापक, अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में और इसके संस्थापक थे बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति के स्थापना 1907 में और इसके संस्थापक थे बरिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र जतेंद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्रा और पुलिन दास और सचिन सतीश चंद्र बोस। ठीक है, युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन, युगांतर और अंजुमाने मोहिबाने वतन थे आपका स्थापना 1907 में हुआ था और इसके संस्थापक थे बीके घोष, भूपेन्द्र दत्त और सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे सचिन दास सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और इसका स्थापना हुआ था 1924 में। नौजवान सभा का स्थापना हुआ था 1926 में और भगत सिंह इसके संस्थापक थे। ठीक है, हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना होता 1928 में और चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो मित्र मेला का 1903 में, भारत माता सोसाइटी का स्थापना 1904 में, ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना 1904 में, अभिनव भारत समाज का स्थापना 1904 में, अनुशीलन समिति का स्थापना 1907 में, युगांतर और अंजुमाने मोहिबाने वतन का स्थापना 1907 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, तो मित्र मिला के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे अजीत सिंह व अंबा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्रा व पुलिंदा। अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे बरिंद्र कुमार बोस, जतेंद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिंदास और सतीश चंद्र बोस। ठीक है, युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन के संस्थापक थे तो बीके घोष, भूपेन्द्रनाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे सचेंद्रनाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं, तो आपके जो प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं हुई, तो एमहर्स्ट एवं कमिश्नर रैंड हत्याकांड, तो एमहर्स्ट एवं कमिश्नर रैंड हत्याकांड 1897 में हुआ और ये आपका पुणे में हुआ था और आपके इसके क्रांतिकारी नेता थे चापेकर बंधु। ठीक है, तो चापेकर बंधु ने किया था। ठीक है, एमहर्स्ट और कमिश्नर रैंड की हत्या का अलीपुर षड्यंत्र, तो आपका अलीपुर षड्यंत्र हुआ था 1908 में मुजफ्फरपुर में और इसके क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चंद्र चाकी। कर्नल वाइली हत्याकांड, तो कर्नल वाइली हत्याकांड आपका हुआ था 1909 में, लंदन में हुआ था। ठीक है, और मदनलाल ढींगरा इसके क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, जैक्सन हत्याकांड आपको 1909 में हुआ था नासिक में महाराष्ट्र में और इसके क्रांतिकारी नेता थे अनंत कनहरे। दिल्ली बम कांड 1912 में हुआ था दिल्ली में और इसके क्रांतिकारी नेता थे बसंत कुमार व राजबिहारी बोस। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 में हुआ था, काकोरी में हुआ था। ठीक है, और इसके क्रांतिकारी नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल और बसंत कुमार। सांडर्स हत्याकांड, तो आपका सांडर्स हत्याकांड हुआ था 1928 में लाहौर में और सरदार भगत सिंह आपके नेता थे। ठीक है, शस्त्रागार डकैती कांड, तो शस्त्रागार डकैती कांड आपको 1930 में हुआ था चटगांव में और इसके सूर्य सिंह नेता थे। जनरल डायर हत्याकांड 1940 में हुआ था और लंदन में हुआ था और उधम सिंह इसके नेता थे। ठीक है, तो आपका एमहर्स्ट एवं कमिश्नर रैंड हत्याकांड 1897 में हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र 1908 में, कर्नल वाइली हत्याकांड 1908 में और जैक्सन हत्याकांड 1909 में, दिल्ली बम कांड 1912 में, काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 में, सांडर्स हत्याकांड 1928 में, शास्त्रागार डकैती कांड 1930 में और जनरल डायर हत्याकांड 1940 में हुआ था। ठीक है, एमहर्स्ट एवं कमिश्नर रैंड हत्याकांड आपका चापेकर बंधु ने किया था, अलीपुर षड्यंत्र या फिर आपका मुजफ्फरपुर हत्याकांड खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किया था, कर्नल वाइली हत्याकांड मदनलाल ढींगरा ने किया था, जैक्सन हत्याकांड अनंत कनहरे ने किया था, दिल्ली बम कांड बसंत कुमार व राजबिहारी बोस ने किया था, काकोरी ट्रेन डकैती
रामप्रसाद बिस्मिल व बसंत कुमार ने किया था, सांदा सत्याकांड सरदार भगत सिंह ने, शास्त्रकार डकैतीकांड सुरेश सेन ने, मास्टर दा और जनरल डायर हत्याकांड, तो जनरल डायर हत्याकांड किया था उधम सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका विदेशों में, तो विदेशों में क्रांतिकारी संगठन कहाँ कहाँ था, तो आपका जो है बर्लिन में जो है इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी था, तो बर्लिन में स्थापक था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, और जो कि आपका जर्मनी में था। ठीक है, और जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में मैडम बिकाजी कामन जो है ने किया था। ठीक है, तो बर्लिन में आपका बर्लिन और स्टुअर्ट गार्ड में स्थापना हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का 1914 में। ठीक है, और मैडम बिकाजी कामन ने 1907 में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका लंदन में, तो लंदन में इंडियन इंडिया होम रूल सोसाइटी, तो लंदन में आपका इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1905 में। ठीक है, काबुल, तो काबुल अफगानिस्तान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1915 हुआ था काबुल में। ठीक है, लाहौर में आपका स्थापना हुआ था अंजुमाने मोहबाने वतन का 1906 में, तो लाहौर में आपका स्थापना हुआ था अंजुमाने मोहबाने वतन का 1906 में। ठीक है, और अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था 1902 में ढाका में। ठीक है, टोक्यो जापान में इंडियन, तो टोक्यो जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1940 में हुआ था। ठीक है, तो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बहुत जगह है। ठीक है, तो एक आपका काबुल अफगानिस्तान में, एक आपका टोक्यो जापान में, ठीक है, और एक आपका जो है और भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, और सिंगापुर में स्थापना हुआ था आज़ाद हिंद फौज का 1943 में, तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1943 में, और लंदन में आपका होम इंडिया होम रूल सोसाइटी का 1905 में स्थापना हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है कनाडा में, तो कनाडा वैंकूवर में, तो आपका जो है वैंकूवर में कमागाटा मारू घटना हुआ था 1914 में, और सिएटल में आपका हुआ था यूनाइटेड इंडिया हाउस का स्थापना 1908 में। अमेरिका में आपका जो है कैलिफोर्निया भारत, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारत स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुआ था 1907 में, और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में, और पोर्टलैंड में आपका हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1913 में। ठीक है, तो पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1913 में, और अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई थी 1907 में, और आपका सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, और कनाडा के वैंकूवर में कमागाटा मारू घटना हुई थी 1914 में, और सिएटल में आपका यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका जो था टोटल हमने देखा। आगे पढ़ते हैं, तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति, तो आपके क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति, तो दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, तो लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पुणे में हत्या हो गई थी 1897 में, तो लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पुणे में हत्या की थी 1897 में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, तो विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी। ठीक है, यहाँ पर आपका 1907 या 1902 होगा, एक बार इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आपका अनुशीलन समिति 1902 या 1907 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लिखा गया है वो आपका अनुशीलन समिति 1902 लिखा गया है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी, और महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में किया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में किया था। ठीक है, पुलिन दास ने ढाका की अनुशीलन समिति। ठीक है, तो ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो पुलिन दास ने ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में किया था। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा और एम एल ढिंगा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की 1905 में स्थापना की थी। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस, तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ट पर बम फेंका 1908 में, लेकिन वे बच गए थे। ठीक है, मदनलाल ढिंगरा ने लंदन में कर्नल वायली की हत्या की 1909 में। ठीक है, राजबिहारी बोस व सचिनदास चलिया ने दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में। ठीक है, लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में,
कमागाटा मारू कांड 1914 में किया था, ठीक है। जतिन मुखर्जी ने, तो जतिन मुखर्जी ने बालासोर उड़ीसा के बुरी बालम नदी के किनारे स्थित फोर्ट विलियम के अधिग्रहण की योजना बनाई और लड़ाई के दौरान मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो रामप्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की 1925 में, आज का कोड़ी षड्यंत्र किया 1925 में, ठीक है। सूर्य सेन ने चटगांव षड्यंत्र किया था 1930 में। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की 1928 में। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर पार्क के संग पुलिस के साथ संघर्ष के समय स्वयं को गोली मारी 1932 में। भगत सिंह, इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। और पंजाब नौजवान भारत सभा का स्थापना किया था 1929 में। और राजगुरु ने भी सैंडर्स की हत्या की थी 1928 में, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में भगत सिंह के साथ, ठीक है। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई 1929 में। ऊधम सिंह, तो लंदन में सर माइकल ओ'डायर की हत्या की थी। ऊधम सिंह ने सर लंदन में सर माइकल ओ'डायर की हत्या की थी, ठीक है। इधर आपका होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है, तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है। और होम रूल का अर्थ है स्वशासन। और सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना रेडमार्ट द्वारा की गई थी, ठीक है। तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है और होम रूल का अर्थ स्वशासन है। और सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना रेडमार्ट द्वारा की गई थी 1916 ईस्वी को प्रारंभ। इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लेम लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दो भागों में बटा था होम रूल, एक आपका तिलक का होम रूल, एक आपका एनी बेसेंट का होम रूल, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे तिलक का होम रूल। तो तिलक का होम रूल का जो क्षेत्र था वो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक था। इसका मुख्यालय, तो तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय जो था वो आपका बेलगांव कर्नाटक था। और इसका रूप जो सीमित स्वरूप था, और इसके अध्यक्ष थे एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्टा। तो तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष थे एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। इसका उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसका प्रचार जो करता था मराठा व केसरी समाचार पत्र करता था, ठीक है। तो तिलक के होम रूल लीग का प्रचार मराठा व केसरी समाचार पत्र करता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एनी बेसेंट का होम रूल। तो एनी बेसेंट का होम रूल जो था इसका क्षेत्र मद्रास व तमिलनाडु था, ठीक है। इसका मुख्यालय अडियार मद्रास में था। और इसका जो है अखिल भारतीय स्वरूप था, ठीक है। और इसके सचिव थे जॉर्ज रुंडेले। और इसका उद्देश्य था स्वशासन का स्थापना करना। तो एनी बेसेंट की होम रूल का उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। और इसका प्रचार जो है कॉमन विल और न्यू इंडिया समाचार पत्र करता था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपका चैप्टर नंबर 45 कंप्लीट कर लिया। कल हमारा चैप्टर नंबर 46 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।